नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को कैंसिल करने और लीड लतीफी को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन करेगी। जी हाँ, इस आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन भी ट्रेन बाधित ना हो इसके लिए पूरी तैयारी में है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने जनता के हित में किए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए रेलवे अफसरों पर साजिश करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रेल रोको आंदोलन के दौरान प्रदेश के सभी जिला ब्लॉक मुख्यालय में एकत्रित होकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोकने की रणनीति बनाई है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक बुधवार को शाम 5 बजे दिल्ली में केंद्रीय भाजपा कार्यालय में होना तय हो गया है। इसके साथ ही बैठक में शामिल होने के लिए परिवर्तन यात्रा के बीच मंगलवार को जगदलपुर से चुनाव प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, वही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित दिग्गज नेता दिल्ली के लिए शाम 5:45 पर रवाना होंगे। वही संगठन महामंत्री पवन साय रायपुर से दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान परिवर्तन यात्रा की कमान पूरी तरह से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के हाथों में सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। जो है प्रदेश के ज्यादातर जगहों में बुधवार को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रायगढ़, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासुमंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर और ऐसे तमाम जगहों पर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाकी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में 1 जून से 12 सितंबर तक 848.6 मिमी बारिश हो चुकी है। जी हाँ, जो सामान्य से 18% कम है। हालांकि इस कमी को मौसम विभाग सामान्य बारिश की तरह ले रही है। वहीं 13 जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है, लेकिन अलर्ट के बाद ये कमी पूरी तरह से कम होने के आसार दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जो यहाँ जनसंपर्क विभाग ने 19 अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। नितिन शर्मा सहित 14 सहायक संचालक जो जहाँ उप संचालक बनाया गया है, वही जितेंद्र नागेश सहित 5 अधिकारी उप संचालक से संयुक्त संचालक बनाए गए हैं। साथ ही सहायक संचालक और सूचना अधिकारी के तबादले भी किए गए हैं। हालांकि प्रमोशन के बाद ज्यादातर अधिकारियों को उसके स्थान पर उच्च पद के साथ पदस्थ किया गया है। इसके अलावा 3 सहायक संचालक और 2 सहायक सूचना अधिकारी के तबादले किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।